नमस्कार अदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। राशन भ्रष्टाचार के विरोध में पूर्व खाद्य मंत्री एवं वर्तमान वन मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तथा वर्तमान खाद्य मंत्री की इस्तीफे की मांग को लेकर दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस सोमवार को FCI कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी ने मिलकर एक साथ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नारा दिया, जिसमें उन्होंने मांग किया कि जल्द से जल्द दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। इस पे भी ED पे भी जोर दिया। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं पूरी खबर। भाई बहनों, जरा आज के खाद्य भवन आंदोलन में शामिल हुए, पूरे पश्चिम बांगला जाने जे भावे रेशन दुर्नीति मुख्यमंत्री नेतृत्व जे सरकार चलते तृणमूल सरकार नए मामाटी मानुषर सरकार नए ये सरकार चलते चोर चोट्टा देर सरकार चलते कारण पश्चिम बांगलार कोनो एरम दफ्तर नहीं जाते तृणमूल दुर्नीति करी। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সারদা দুর্নীতি, নারদা দুর্নীতি, কয়লা পাচার, গরু পাচার, কয়লা বালি পাচার, চাকরি চুরি, চাল গরিব মানুষের চাল চুরির অভিযোগ আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শের কথা বলে, মূল্যবোধের কথা বলে। আজকে কোথায় আছে মূল্যবোধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যবোধ থাকলে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়ে দিত। আজকে রাজ্যের সরকার, আমাদের সরকার কংগ্রেসের বিধান চন্দ্র রায় সরকার, আমাদের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সরকার ছিল, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার দেখুন আজকে চুরি দুর্নীতিতে ডুবে গেছে। এই সরকারের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।